मैं दीक्षा पांडे, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस खास बुलेटिन में। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां ग्रामीणों ने बचाई गाय की जान। जी हां, खबर उत्तराखंड जिला उत्तम सिंह नगर के बाजपुर से है, जहां ग्राम नंदपुर नरका टोपा में ग्रामीणों ने बचाई गौ माता की जान। बता दें कि ग्राम नंदपुर नरक टोपा में एक गाय मुख्य मार्ग पर रामराज रोड चीनी मिल मार्ग पर जा रही थी, तभी अचानक हुआ ग्राम के मुख्य नाला में जा गिरी। गाय के गिरने का कारण नाला का खुला होना बताया गया। ग्रामीणों का कहना था कि कई बार ग्राम प्रधान और पीडब्ल्यूडी विभाग को इसके बारे में कई बार मौखिक रूप से अवगत भी कराया जा चुका है, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। समाज सेवी जाकिर हुसैन ने बताया कि राहगीरों के बताने पर पता चला कि एक गाय घास चरते चरते नाले में गिर गई। तब हम सबने मिलकर गाय को नाले से बाहर निकाला। यदि मौके पर ग्रामीण न होते तब एक बेजुबान पशु की मृत्यु हो सकती थी। गाय को मालिक के हवाले कर दिया। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की यह रिपोर्ट। नरका टोपा का है। यहाँ पर जो है एक गाय जा रही थी, वो अचानक जो है टूटा हुआ एक नाला है गांव का मुख्य नाला, उस नाले में जो है जाकर के गिर गई। वहाँ पर जो है कई लोग जो है उन्होंने आकर के जल्दी जल्दी आवाज़ लगाई, दूसरे लोगों को बुलाया गांव वालों को, और उस गाय को बचाया हम लोगों ने। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस नाले के बारे में ग्राम प्रधान को भी और पीडब्ल्यूडी विभाग को भी है, हमने कई बार जो मौखिक रूप से सूचना दी, ना तो इस नाले का निर्माण किया जा रहा है जिस तरह से टूटा हुआ नाला, और इसके अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है कि नाला जो है पानी से भरा रहता है, हमेशा गंदा पानी है, इससे बीमारी फैलती है, और आए दिन इसमें किसी बच्चे के गिरने के बाद भी अगर बड़ा हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इस बात को जो है कोई ना विभाग ले रहा है और ना ही ग्राम सभा का कोई प्रधान वगैरह कोई। हाँ, वो गाय ठीक है और उसके जो है मालिक को जो है उसको सौंप दिया गया है। करीब एक घंटे के बाद उसको जो है गाय को जो है सही से तसल्ली होगी और तब जाकर के उसको सौंप दिया गया।